for HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number 6001601899. So welcome students to another new video. So आज के वीडियो में बात करेंगे TDC के जो awesome के अभी recent exam चल रहे हैं third sem, fifth sem के और back paper जिनके first sem के उसके regarding 3 units और 5 units. ये एक important topic है जो कि exam जब से start हुए काफी students इस topic के ऊपर continue questions कर रहे. सो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो आप लोगों क्या करना है, हड़बड़ की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते. सो टीडीसी सीबीसीएस के जो ऑटसम के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं उसका ऑलरेडी 2 एग्जाम कंप्लीट हो चुका है. पहला जो एग्जाम्स गया थर्ड सेम के और नेक्स्ट जो कल एग्जाम हुए फिफ्थ सेम के. सो मैंने कल मॉर्निंग को एक वीडियो दी थी, उसमें क्वेश्चन पैटर्न के रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कशन किए. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अटैच करके दे रहा हूँ, उसके थ्रू जाके आप लोग पहले उस वीडियो को चेकआउट कर लेना. तो क्वेश्चंस पैटर्न किस टाइप के हुए कल के वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी आप लोगों को. सो अभी बात करेंगे 3 यूनिट या 5 यूनिट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रिपरेशन अगर अच्छे से करना होगा तो. सो पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें 3 यूनिट अगर आप अच्छे से पढ़ के चले जाते थे. सो उसमें से क्या होता था, जो एनी पैटर्न के क्वेश्चंस होते थे तो उस समय पे 3 यूनिट से आप कवर अप कर पाते थे ब्रॉड क्वेश्चंस. बट इस बार के जो पैटर्न है इस पैटर्न के लिए आपको 5 यूनिट पढ़ के जाना पड़ेगा. और एग्जाम्स में स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं ब्रॉड क्वेश्चंस. अगर आप ब्रॉड क्वेश्चन के आंसर नहीं करोगे तो आपका बैक क्लियर होने का चांसेस नहीं होगा. एटलीस्ट 3 ब्रॉड क्वेश्चन के आंसर आपको करने ही पड़ेंगे अगर बैक आपको लगाना नहीं है तो. अगर ब्रॉड क्वेश्चन के आंसर ना करके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करके आओगे और ब्रॉड क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं आंसर लिखोगे देन प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है. सो क्वेश्चन पैटर्न जो है उस वाइज आपको 5 यूनिट तो पढ़ना होगा अगर आपको कंप्लीट 100% आपको क्वेश्चन के आंसर टच करके आना है. अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का कैपेबिलिटी नहीं होता है, ये फियर बात है कि कंप्लीट 100% मार्क अटेम्प्ट करना. सो जो अच्छे स्टूडेंट्स हो 100% मार्क आपको अटेम्प्ट करना है. सो मैं सजेस्ट करूंगा 5 यूनिट आप लोग पढ़ के जाओ. और जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि पहले प्रिपरेशन आप लोगों ने नहीं किया है, अभी एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो, समय आपके पास कम होंगे शॉर्ट होंगे, एटलीस्ट ब्रॉड क्वेश्चन के लिए 3 यूनिट आप लोग प्रिपरेशन तो करके जाओ. एटलीस्ट 3 यूनिट का आंसर लिख के आना ब्रॉड क्वेश्चन, अदरवाइज आपके बैक लगने के चांसेस ज्यादातर होंगे. सो 5 यूनिट कंपलसरी आपके लिए. और उसमें से अगर आपको लगता है कि 5 यूनिट आपको सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है, एटलीस्ट 3 यूनिट आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए. बाकी फर्दर जो भी अपडेट्स ऐसे आते रहेंगे मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा. वीडियो अच्छे लगने से वीडियो को एक लाइक एंड फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनको भी कंप्लीट अपडेट्स मिले एग्जाम्स के बारे में. और बाकी कुछ डाउट रह जाने से डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी तो है, सो मुझे वहां पे फॉलो कर देना, उसके बाद DM भी कर सकते हो. सो ऐसा आप डिस्कस मेरे साथ बने चल के साथ जुड़े. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.